हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिंस गुप्ता, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थरोस्कोपी सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज हम लोग बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट और उससे जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथ्स एंड फैक्ट्स मतलब लोगों को जो उसको लेकर कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ डर हैं, उन सबको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या प्रॉब्लम है और किन लोगों में मिलती है ज़्यादातर, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ये एक नी मॉडल है जिसमें ये थाई बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं, ये लेग बोन है जिसको हम टिबिया बोलते हैं। दोनों के एंड्स पर एक कार्टिलेज की चिकनी परत होती है जो बचपन से लेकर जवानी तक ठीक रहती है। धीरे धीरे जब चोट लग जाती है या उम्र बढ़ने से ये खुरदरी होनी शुरू हो जाती है। जब ये खुरदरी होती जाती है और ये खुरदरापन पूरा बढ़ जाता है और जोड़ को खराब कर देता है या चिकनी परत को खराब कर देता है, तो उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ये ज्यादातर 50-55 या उससे ऊपर के लोगों में बीमारी होती है, बीमारी या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोले, ये होती है। इसको इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ग्रेड वन में जिसमें हमें सिर्फ दवाइयों और एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, 1 to stage 3 तक। पर जब ये stage 4 में पहुंच जाती है जिसमें परत खराब होती है, उन केसेस में हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब इस चीज को लेकर काफी लोगों में गलतफहमियां हैं कि इसमें पूरा घुटना बदला जाता है और पूरे घुटने को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर नया घुटना लगाते हैं। तो मैं ये बताता हूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम पूरा घुटना निकाल देते हैं। हम सिर्फ जो कार्टिलेज की चिकनी परत जो खराब हो गई है, हम उसको शेव करते हैं या उसको शेप देते हैं। कुछ इस तरीके से शेप दी जाती है और हम शेप देने के बाद उस पर एक मेटल का इम्प्लांट की कैप लगाते हैं ऊपर और नीचे, और बीच में हम लोग उसकी जगह पर बीच में एक पॉलीथाइलिन इंसर्ट लगाते हैं जिससे कि गैप बराबर हो जाता है और घुटना हमारा आगे के लिए काम करता है। आप साइड से इसको देखना चाहें तो देखेंगे सिर्फ कैप चढ़ी हुई है, घुटना आपका वही है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। दूसरी जो बहुत ही कॉमन लोगों में भ्रम है वो ये है कि इसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद। आजकल की लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट एनेस्थीशिया टेक्निक्स या फिर हम पेन मेडिकेशंस जो हैं आजकल, उन सब से हम पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हम सर्जरी कर पाते हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। इसमें से एक है एपिडुरल एनेस्थीशिया। एपिडुरल एनेस्थीशिया हम सर्जरी से पहले लगाते हैं कमर में, जिसके द्वारा हम दवाई उसमें जाती है और पैरों को सुन करती है, जिससे हम ऑपरेशन कर पाते हैं और ऑपरेशन के बाद भी हम पेशेंट की मूवमेंट रिहैबिलिटेशन, जिसमें पेशेंट का चलना, वॉकर के साथ खड़ा करना, ये सब संभव हो पाता है बिना किसी दर्द के या तकलीफ के। अब इन सब की वजह से हम पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं और ये सर्जरीज आजकल ऑलमोस्ट पेनलेस हो गई हैं। एक और जो लोगों को बहुत बड़ा डाउट होता है या बहुत बड़ा डर होता है कि सर्जरी अगर हमारी सक्सेसफुल नहीं रही तो। सर्जरी सक्सेसफुल होने के पीछे 3 मेजर कारण होते हैं। एक तो सेटअप अच्छा होना चाहिए, सेटअप से मेरा मतलब है हॉस्पिटल जहां पर आप करवाना चाहते हैं। दूसरा, ऑपरेटिंग सर्जन इज एक्सपीरियंस्ड और नॉट। थर्ड, जो हम कितने टाइम के बाद सर्जरी करवाने जा रहे हैं। अगर हम ये सर्जरी करवाने में बहुत डिले करते हैं जिससे कि बाद में रिहैबिलिटेशन हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो बाद में तकलीफ रहने के थोड़े चांसेस होते हैं। अगर हम उसको टाइमली कराया जाए तो पेशेंट को तकलीफ नहीं रहती है। इसमें ऐसा करने के लिए वापस मैं जब भी ऐसा कोई पेशेंट सवाल पूछता है तो मैं उनको बिठाकर रिश्तेदारों के साथ उनसे हम बातचीत करते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और यही समझाते हैं कि सर्जरी इज वेरी सक्सेसफुल इफ डन एट अ गुड सेटअप बाय अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन। नेक्स्ट, लोगों को एक और चीज का डर होता है कि घुटने पर बहुत बड़ा चीरा आएगा या फिर एक मेजर सर्जरी है। आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा, जिनको हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स बोलते हैं,
जो चीरा लगता है घुटने पर वो भी छोटा हो गया है, अंदाजा 10 से 12 सेंटीमीटर का चीरा लगता है सिर्फ, जिससे ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट की मसल्स कम कटती हैं, पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स के द्वारा ये संभव है कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो और रिकवरी बहुत फास्ट हो जाए। तो आजकल ये मेजर सर्जरी उतनी नहीं है। लोगों का एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि इसके बाद रेस्ट कितना होता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ रेस्ट उसी दिन का है जिस दिन हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट डे से आपको वॉकर के सहारे से हम खड़ा करते हैं और चलवाना शुरू करते हैं, तो पेशेंट को रेस्ट की ऐसे ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वॉकर भी छूट जाता है और उसके बाद स्टिक के द्वारा पेशेंट चल सकते हैं। स्टिक भी हम 3 से 4 हफ्ते में निकलवा देते हैं। सीढ़ी चढ़ना वगैरह 2 से 3 हफ्ते में हम स्टार्ट करवा देते हैं। तो रेस्ट वाली बात उतनी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए रेस्ट को लेकर कि हम कितना टाइम के लिए बेड पर रहेंगे। बेड रेस्ट नहीं होता है इसमें। ब्लड लॉस के बारे में जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, या लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि हम चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाएंगे, नीचे पालती नहीं मार पाएंगे, आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट इम्प्लांट के वजह से हम जिनको हम हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स बोलते हैं, पेशेंट का नीचे बैठना और पालती मारना बिल्कुल संभव है। लोग उन इम्प्लांट की वजह से या सर्जरी की टेक्निक्स की वजह से लोगों का जो बाकी के दिनचर्या के काम होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें नीचे बैठना होता है या पालती मारना होता है, वो बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तो मेरा आप सबको यही सुझाव है कि आप इन सब चीज़ों से अपनी नी आर्थराइटिस में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। आप आगे बढ़िए और हम लोग इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हैं आपके साथ। थैंक यू।